हिंसा को लेकर मैं फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। शर्माती है हमें तो ऐसे प्रधानमंत्री जी पे कि इतने लगभग 76 दिन बाद उनकी चुप्पी टूटी, और जब टूटी भी तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है ऐसी घटना पे। इसके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, वो बनारस जाते तो कहते मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, अब जा वो नीचे जाएंगे तो क्या कहेंगे मुझे ब्रह्मपुत्र ने बुलाया। और ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है पहली बार ही भारत को मिला है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया, और बेटी पटाओ का भी तो नारा दिया था। अमित शाह यहीं आए थे लखनऊ में, कह रहे थे रात के 12 बजे कोई भी महिला गहना पहन के निकल जाए, उसकी महिला इतना सुरक्षित है। हम तो यही कह रहे कि एक बार अमित शाह जी खुद साड़ी पहन के निकल रहे तब पता चलेगा कि वो खुद कितने सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी का जमीर जिंदा है तो खुद हाथ में पानी रख के चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना। मणिपुर की हिंसा को लेकर मैं फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा दिखाई दे रही है जी, हम ये मणिपुर का जो वीडियो आया है तो 77 दिन बाद मोदी जी तो अपना चुप्पी तोड़े हैं, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे पहला राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन है कि आप राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले आप वहाँ की सरकार बर्खास्त करिए और राष्ट्रपति शासन लगाइए, उसके बाद मोदी जी को चाहे 2 महीने चाहे 4 महीने चाहे 5 महीने लगे, वो देश में दिल्ली छोड़ के मणिपुर में बैठे, वहाँ दो समुदाय के बीच में जो खाई है वहाँ रहने से क्या होगा मोदी जी का? वहाँ उनको रह के उनके बीच में बैठ के बात करनी होगी। हमारे जो जैसे कि अब राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, उनको सजा हो गई, संसद चली गई, उससे नहीं मतलब है, वो जो कर रहे हैं उस तरह से एक नेता को होना। हम चुने हैं उनको तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको विदेश घूमने के लिए नहीं, वो विदेश में रिफॉर्म करने चले जाते हैं। विदेश में बता रहे डंका बजता है, अरे तो विदेश में डंका बज रहा है, मणिपुर में संभलने नहीं संभल रहा है। सुने थे किसी ने योगी जी को फ्रांस भी बुला लिया था, मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे दिए थे कि हम जो है कि भारत का झंडा, भाई भारत का झंडा लगा के अगर हम बाहर निकले बहुत सम्मान की बात है, भारत माता की जय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि मोदी जी ने कर दिया ये गलत बात है। जेल का काम ही होता है मांस को नोच के खाना, और वही काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि पूरे देश को ही, पूरे समूचे भारत के देश को उन्होंने खोखला कर दिया है। पूरा जो हमारा संविधान है, किस तरीके से हमारे हितों का हनन हो रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहाँ है संविधान? लोकतंत्र के देश में हम लोग रहते हैं जिसमें संविधान का राज है। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बाहर बुलाया जाता है, जो रशिया और जो यूक्रेन का युद्ध सुलटाने की बात करते हैं उनको क्या मणिपुर में, क्या उनके मुँह पर फेविक्विक लग गया है? फेविक्विक कहाँ लगा है, सारे नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आया है कि निंदा करते हैं, शर्मनाक है, हमें बड़ा ही अफसोस हुआ है, ऐसे सारे नेता कह तो रहे हैं, पहली बार बीजेपी के नेता बोले हैं, तो आप धन्यवाद पेश कीजिए। शर्म आती है हमें तो ऐसे प्रधानमंत्री जी पे कि इतने लगभग 76 दिन बाद उनकी चुप्पी टूटी, और जब टूटी भी तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है ऐसी घटना पे। अरे उनके शर्म का हम लोग क्या करेंगे, क्या उनकी वो खाली उनके कह देने मात्र से जो जो काम उन महिलाओं के साथ हुआ उनका सम्मान वापस आ जाएगा? जिस प्रकार से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि वो चीज़ें सुधर जाएंगी उनके कहने मात्र से? चुनाव में तो सबसे पहले अगर कोई पहुँचता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचते हैं, मैं मणिपुर का बेटा हूँ, मणिपुर ने मुझे बुलाया है, मणिपुर से मेरा पुराना नाता है, इस नाते की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो आपका कहने का मतलब है मोदी जी कह दे हम पाकिस्तान के बेटे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? अरे हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे भारत में किसी भी कोने में जाते हैं वहीं के बेटे हो जाते हैं, ना जाने समझ नहीं आता कि आखिर वो किस राज के असल के बेटे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आता है। लेकिन वो तो है ना भारत देश के मोदी जी। अरे भारत के मोदी जी हैं, वो गंगा जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, वो बनारस जाते तो कहते मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, अब जा वो नीचे जाएंगे तो क्या कहेंगे मुझे ब्रह्मपुत्र ने बुलाया है, और कल को ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान जाए तो कहते मुझे तो माँ सिंधु ने बुलाया है, ये भी कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन मोदी जी का डंका बजता है, और ऐसा प्रधानमंत्री शायद भारत को पहली बार मिला होगा। ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है पहली बार ही भारत को मिला है, जो राम राज्य का दावा करते फिर रहे थे कि भारत राम राज्य है, आज पूरे रावण राज्य में तब्दील कर दिया, जहां माताओं का बहनों का चीरहरण हो वो राम राज्य नहीं हो सकता है, वो रावण राज्य है। आप कहां रहते हैं ये बताइए? मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। नहीं, लखनऊ में रहते हैं? लखनऊ में रहते। नाम क्या है आपका? रुस्तम सिंह यादव। रुस्तम सिंह यादव, अमित शाह यहीं आए थे लखनऊ में, कह रहे थे रात के 12 बजे कोई भी महिला गहना पहन के निकल जाए उसके साथ छिनैती नहीं होगा, और महिला इतना सुरक्षित है,
आप पता नहीं अमित शाह को नहीं सुनते हैं कि मोदी को नहीं सुनते। अमित शाह को सुनता हूँ। हम तो यही कह रहे हैं, अमित शाह जी कहते हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि एक बार अमित शाह जी खुद साड़ी पहन के निकल रहे, तब पता चलेगा कि वो खुद कितने सुरक्षित हैं। और अमित शाह साड़ी पहन के निकल, अरे जब उनको लगता है ना ठिकाने, बिल्कुल ठिकाने हैं। पहले के मुख्यमंत्री क्या भेद बदल के नहीं चलते थे अर्थव्यवस्था को देखने के लिए? वो कहते हैं ना कि महिलाएं सुरक्षित हैं, गहना पहन के निकले, अरे अमित शाह जी हम साड़ी हम दे देंगे उनको, हमारे प्रधानमंत्री को तो चूड़ी देने की बात करते हैं, आप डंका बजाने की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को चूड़ी पहन के। चूड़िया कांड में स्मृति ईरानी ने देखा चूड़ी दिया था मनमोहन सिंह को, तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि चूड़ी इतनी महंगी हो गई कि स्मृति ईरानी जी अब नरेंद्र मोदी जी को नहीं दे पा रही हैं। क्या स्मृति ईरानी जी के पास चूड़ियां खत्म हो गई हैं? चूड़ियां तो बहुत महंगी हैं वो। अरे हम बचा सकते हैं उनको, हम प्रधानमंत्री जी को चूड़ी पहुंचा सकते हैं। डंका की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी को तो बैठ कर चूड़ी बजाना चाहिए, चूड़ी बजाना चाहिए, बिल्कुल चूड़ी बजाना चाहिए। स्मृति ईरानी हर मुद्दे पर एक्टिव रहती है, आप यही नहीं मालूम? हमने हमने देखा था कि कांग्रेस के टाइम पे सबसे अगर भारी सिलेंडर को भी कोई खोपड़ी पे उठा के चलने का काम करता था तो स्मृति ईरानी जी करती थी। सबसे पहले प्याज की माला पहनने का कोई काम करता तो स्मृति ईरानी जी करती थी। क्या स्मृति ईरानी जी वहाँ मणिपुर नहीं जा रही है? उनको वहाँ की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी ये तो विपक्ष के लोग करते हैं, बता रहे हैं ये जो हिंसा भड़की है विपक्ष के लोगों ने, आग लगाया है जाके, फंडिंग करते फंडिंग नहीं करते विपक्ष के लोग वहाँ। अरे ये पक्ष विपक्ष वाली बात ही नहीं है भैया, ये महिलाओं वाली बात है। और स्मृति ईरानी खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? और बेटी पटाओ का भी तो नारा दिया था, बेटी पटाओ का नारा किसने दिया था आप बता दीजिए, किसने दिया? बताइए बताइए, आपने ही तो विश्वगुरु बना दिया, आपने ही तो महान। जुबान फिसल गया तो उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे क्या? जुबान फिसलना नहीं होता, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद जुबान फिसल गया आपका? कैसे कैसे जुबान फिसल गया ये बता दीजिए हमें। ये वीडियो दिखाइए, मणिपुर वाला वीडियो दिखाइए उनको कि ये क्या चल रहा है। मोदी जी ने तो कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं। बेटी पटाओ तो आपने सुन लिया, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो नहीं सुनाई दिया। जब किसान आंदोलन सुनाई दिया क्या? कार्रवाई तो ब्रिजभूषण में भी नहीं हुई पिछले 6-3 महीने से। जमानत मिल गई उनको, जमानत मिल गई वो भी कितने दिनों बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। ये भी बोल दीजिए कि राम रहीम को भी पैरोल पे भेज दिया 1 महीने के लिए। ये भी बोल दीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी अपने घड़ियालू आंसू निकालते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू निकालते हैं, वहाँ पे घड़ियाली आंसू निकालते हैं, जब उनको पीड़ा दर्द महसूस होता है, यूक्रेन जाते इतने दिनों में पीड़ा दर्द नहीं महसूस हुआ, उसी दिन राम रहीम को जो कि बलात्कारी है 40 दिन के लिए पैरोल पे बाहर कर दिया जाता है। जो लड़कियां हमारे देश के लिए मेडल लाती थी उनके साथ मोदी जी फूले नहीं समाते थे, तिरंगा मेडल लेके घुमा करते थे, आज मोदी जी उन बेटियों के साथ जो दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ है उस तरह का वीडियो आज भी मेरे पास पड़ा है, उस पर उनको शर्म नहीं है। और शर्म बोलने से क्या होगा, कहते हैं कि कार्रवाई होगी, अरे भाई आप कार्रवाई कर कहां रहे हैं? जो सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली बात आई है इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? नहीं, किस प्रकार से खुश होंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी निंदा खाली कर रहे हैं, निंदा होने करने से क्या होता है? अरे उनको कुछ करना है तो कुछ करके दिखाएं, मुख्यमंत्री को हटा के दिखाएं। 4 लोग वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, 11 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। 40 दिन, अरे कितनी ना जाने वैसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, ये तो एक घटना इत्तेफाक मान से बाहर सोशल मीडिया पे आ गई, जिसमें वो भी प्रधानमंत्री जी कह रहे कि हम ट्विटर पे एक्शन लेंगे, कि आखिर ये आया कैसे, प्रेस में कोई बात आई है ट्विटर पर? बिल्कुल ये कहा गया है कि हम ट्विटर पे एक्शन लेंगे, इस प्रकार के वीडियो को उन्होंने दिखाया है। भाई प्रधानमंत्री जी हमारे डरे हुए हैं कि अगर ऐसे सोशल मीडिया का राज हुआ तो उनके राज खुल जाएंगे। किस प्रकार से उनके राज में, उनके भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं को निर्वस्त करके परेड मार्च कराया जा रहा है, शर्म आती है हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी पे। 56 चाहते क्या आप लोग? अगर प्रधानमंत्री जी का जमीर जिंदा है, अगर सच में वो 56 इंची वाले हैं, वैसे तो हम लोग इसमें कोई शक नहीं, 56 इंच का सीना है, मोदी जी ने खुद ये बात कही है। नहीं चक्कर क्या, हम लोगों ने इंची टेप लेके कभी नापा नहीं, तो हम लोग कह नहीं सकते कि 56 इंची का सीना है कि नहीं है, लेकिन अगर सच में वो 56 इंची का सीना है तो प्रधानमंत्री जी को खुद हाथ में पानी रख के चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लापरवाह प्रधानमंत्री को अगर इस्तीफा दे दिया जाए पूरा देश खुश होगा, मणिपुर के दंगे शांत हो जाएंगे और वहां के सीएम साहब को इस्तीफा देके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए।